खालिद जी, अभी आपने मुआवजे का जिक्र किया, 2020 का मुआवजा आया था वो वापस लैप्स हो चुका है, 2021 का केवल 73 गांव का मुआवजा आया था, तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने मुआवजा जो किसानों को भरपूर दिया है। बीमा क्लेम की बात करें तो 2022 के बीमा क्लेम को लेकर के किसान तंगी पे चढ़े थे। My school, it's right, please and change along my school, thanks. This is our computer lab, we charge computer from third standard itself. This is a school for my dream come true. लेकिन निश्चित तौर पे बहुत सी योजनाएं हैं इनके माध्यम से जिनमें किसानों को बहुत लाभ मिलता है। सब्सिडी योजनाएं बहुत है, नई योजनाओं का इंट्रोडक्शन अभी केंद्रीय मंत्री बहुत बड़े स्केल पे हिंदुस्तान के अंदर अब लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी जो सहकारिता, ये सबसे बड़ी हमारी स्ट्रांगली हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए, एक किसान को, पढ़े लिखे नौजवान को भी। तो निश्चित तौर पे ये इसको अगर माने तो ये बहुत बड़ी कॉपरेटिव जो है ये बहुत बड़ा सेक्टर है। लेकिन किसानों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, डीएपी की बात है, यूरिया की बात। देखिए, अभी माननीय मोदी जी ने नैनो यूरिया का लॉन्च किया है और यूरिया जो है वो स्प्रे फॉर्म में भी आ रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडक्ट हो रही है। धीरे धीरे समय के हिसाब से नई चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा और नई खेती के अंदर नया आयाम और नई टेक्नोलॉजी आएगी, निश्चित तौर पे तरक्की आएगी। बहुत से देश ऐसे हमारे से बहुत आगे खेती में, हम ट्रेडिशनल खेती पे चल रहे हैं, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के लिए भी सरकार को अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है कृषि क्षेत्र में। नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, खेती कर रहा है, सारे इक्विपमेंट लेटेस्ट रख रहा है, अच्छे ट्रैक्टर्स रख रहा है, सारी मशीनरी मैकेनिज्म नया है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी सौगात किसानों को देने का काम किया, जिसमें बोलते हैं हम ड्रिप इरीगेशन का, जिसमें टैंक जो है सब्सिडी, और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा ज़िला सिरसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों को बेनिफिशरी मिली है टैंक्स की। आज आप कहीं भी ग्रामीणांचल में जाओगे, हर गांव में 150, 150, 200 टैंक्स जो है सरकार ने सब्सिडी रेट पे देने का काम किया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति कृषि क्षेत्र में आने वाली है, क्योंकि उससे पानी का संरक्षण होता है, पानी ही जो है वो खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज किसान मजबूत इसलिए है कि उसके पास हर चीज़ की कैपेसिटी है, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है, फिर धीरे धीरे आगे जो सहकारिता में हमारा स्टोरेज कैपेसिटी आ रहा है जो हम किसानों को देने जाएगी सरकार, वो भी आ जाएगी, उससे गुणवत्ता आ जाएगी उसकी फसल के अंदर, और इसके साथ साथ उसकी आमदन जो है वो भी एक मजबूत आधार बन जाएगा, उसकी आमदन स्ट्रांग होगी, किसान बड़ा मजबूत होगा। तो सहकारिता में बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। आपने कहा कि किसान मजबूत हुआ है, लेकिन सिरसा में किसान है वो टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर है, जल घर में कि पानी नहीं मिल पाता, टेल में घर का पानी पाकिस्तान पहुंच गया लेकिन जमाल नहीं पहुंच पाया। देखिए, ऐसे है कि कई दफ़ा सरकारों, हर एक सरकार का अपना एक पॉलिसी प्रोग्राम्स है, तो पानी पाकिस्तान गया वो हरियाणा से नहीं गया। हरियाणा में जितना पानी का हम उपयोग कर सकते थे हमने किया, बाढ़ का पानी हमने रोकने का काम किया, हमारे इलाके में कहाँ बाढ़ है। पर जो जो सरकारें, जिन जिन सरकारों की मैनेजमेंट फेल हुई वहाँ तबाही मची है, पंजाब की पूरी मैनेजमेंट फेल हो गई है, मशीनरी, सरकारी मशीनरी फेल हो गई, गाँव में पानी आज भी जब वो BBMB भाखड़ा का पानी छोड़ते हैं तो गाँव में आ जाता है, वो सारा पानी पाकिस्तान दे रहे हैं। आज गंगानगर के किसान धरने बैठे हैं क्योंकि पंजाब पानी नहीं दे रहा। लेकिन हर सरकार का अपना एक लिमिटेशन है, हर सरकार का अपना कार्यशैली है। हरियाणा की सरकार की जो कार्यशैली है, निश्चित तौर पर किसान हितैषी है। मैं चौधरी देवीलाल का पोता हूँ, मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ और आप भी सब जिले के पत्रकार हो, जितना मुआवजा बीमा क्लेम के रूप में और मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा डायरेक्ट सिरसा जिला को दिया गया, आज तक किसी सरकार ने सिरसा जिला किसानों को इतना पैसा नहीं दिया। सवाल ये नहीं है कि टंकी चढ़ना है, पानी की दिक्कत है। देखिए, आज हर नौजवान स्वतंत्र है और ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर एक को मौका देती है, हर एक को अपनी बात रखने का मौका देती है। पूर्व की सरकारें तो बोलने का मौका नहीं देती थी, डंडों से लट्ठों से ले लेती थी। इस सरकार ने किसी भी सूरत में, चाहे वो किसान आंदोलन था या कोई भी ओकेजन ऐसा हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, कभी भी उसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिए, जनता की आवाज़ सुनी है, उनको पोलाइटली डील किया है। हमारे सामने किसान आंदोलन बहुत बड़ी एक तादाद में था और लंबे अरसे तक चला,
एक दफ़ा भी इस ज़िले के अंदर ऐसी घटना नहीं हुई कि कहीं हमें किसी लाठी चार्ज या कुछ ऐसा। ठीक है, वो भी हमारे भाई है जिन्होंने आंदोलन किया, कई बारी किसी को इशू समझ आते हैं, कई बारी उस इशूज़ को आदमी समझना नहीं चाहता, लेकिन आज वही लोग हैं, हम आपस में बैठते हैं, प्रेम प्यार है एक दूसरे से। लाठी चार्ज के लिए बहुत घटनाएं हुई हैं, हमारे पड़ा है, वाटर कैनन भी चले हैं हमारे जिले में, नहीं अब हमारे जिले में इग्नोर नहीं कर सकते। मोहन शाह चौक पे भी आपने कितनी दफा देखा है, जो देखिए ऐसे है स्पीकर महोदय जब आए थे उस टाइम भी आपने देखा। मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए कई मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सब लोग गलत नहीं है, एक दो शरारती तत्व होते हैं जो छेड़खानी कर लेते हैं। इसका ये नहीं है कि हम सब लोगों को दोषी ठहराएं, उस पूरी मॉब में भीड़ में कोई एक आधा आदमी ऐसा होता है जिसका काम होता है पत्थर फेंकना हो रहा है तो ठीक है, चलो छोटी मोटी घटना है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया तो नहीं है। अब यहाँ जो भी घटना हुई पत्रिका नहीं हुई और जो केसेस थे वो भी विड्रॉ किए सरकार ने, तो सवाल है अब नौजवान हर आदमी अपने इच्छाओं को लेकर अपनी सोच को लेकर जागरूक है तो किसी को सब लोग स्वतंत्र है, कोई अपनी बात को किसी तरीके से रखे, चाहे वो टंकी पे चढ़ के रखे, चाहे वो डीसी दफ्तर के आगे रखे। आदित्य जी, अभी आपने मुआवजे का जिक्र किया, 2020 का मुआवजा आया था वो वापस लैप्स हो चुका है, 2021 का केवल 73 गांव का मुआवजा आया था, तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने मुआवजा जो किसानों को भरपूर दिया है। बीमा क्लेम की बात करें तो 2022 के बीमा क्लेम को लेकर के किसान टंकी पे चढ़े थे और इससे पीछे का बीमा क्लेम भी अभी तक कहीं ना कहीं अटका हुआ। देखिए मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, जब भी किसान धरने बैठा है मैं किसानों के साथ था और मैंने जाके मसले हल किए, मैं खुद अपने साथ लेके तीन दफ़ा मुआवजा लेके आए, एक बारी 250 करोड़ लाए, एक बारी 321 करोड़ लाए, एक बारी हम 225 करोड़ रुपए लेके आए। अभी हमारा मुआवजा बना है 641 करोड़ के लगभग। अभी जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने नॉम से है, पहले हमारे जो एजेंसीज थी वो प्राइवेट बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर हम दबाव भी डाला है, प्राइवेट बैंक ने हमें पैसा भी दिया है, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी आती है तो वो सरकार है और हरियाणा सरकार है, हमारा मामला ट्रिब्यूनल में है, ट्रिब्यूनल एक तरीके की कोर्ट है, उस ट्रिब्यूनल में हमारे जो हमने रखने थे वो डेटाज रखे हैं, कई दफ़ा डेटा वेरी कर जाते हैं, बड़ा ज़िला है, कई दफ़ा मुलाजिम कम होते हैं, क्रॉप कटिंग सही नहीं हो पाती, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप जब डिस्कस करने बैठते हैं तो उसमें बहुत सी खामियां रह जाती हैं, उन खामियों को दूर करके और हमारी बातचीत सकारात्मक हुई है, अभी जो आंदोलन चल रहा था वो भी सेटल हुआ है, आपसी बातचीत होके कई गाँव को मुआवजा डल गया है, कईयों का आ रहा है, ये एक प्रोसेस ऐसा है कि धीरे धीरे आता रहता है। जो 2020 का मुआवजा वो भी आ रहा है, क्लेम की बात मैं वही कह रहा हूँ, जो आइडेंटिफाई वेरीफाई हो गया वो आ रहा है। आदित्य जी, तो लेकिन सरकार ने अभी कहा है अभी जो फ्लड आया, जो बाढ़ का मंजर था, इसके अंदर जो फसल डूब गई और तो दोबारा वो इरीगेट करके जो फसल बो दी, सरकार कहती है उनको मुआवजा नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, लगभग 10,000 एकड़ का डाटा वेरीफाई हुआ है, जिन लोगों की फसलें ख़राब हुई थी जिनमें पानी आया था उनका हमने सारा यहाँ से भेज दिया है, निश्चित तौर पे उन्हें कम्पनसेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। हमारे एरिया में देखो अब की बारी प्रशासन की और लोगों की, सबकी बड़ी मुस्तैदी थी, आप लोगों ने पत्रकारों ने भी बहुत सहयोग किया, न्यूज़ कहीं ऐसी कोई ब्लंडर न्यूज़ नहीं आई जिससे कोई पैनिक क्रिएट हो, आपने सब ने सहयोग किया, सोसाइटी में हम सब लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद की ऐसी परिस्थितियों में, और जब सारा ये मामला ठीक हुआ तो लगभग 10,000 एकड़ ऐसा कैलकुलेट हुआ है जिसमें वाटर लॉगिंग हुई है, उसका मामला गया हुआ है। आदित्य जी, एक सवाल कि घग्गर में जिस तरह से बाढ़ के हालात पैदा हुए, काफ़ी जो है पानी है वो चला गया, 8,000 एकड़ में पानी चला गया, लेकिन आपको लगता है कि घग्गर क्योंकि पानी आता है अंतिम छोर पड़ता है यहाँ पे, फुलडी नहरें हैं और ज़्यादा निकालने जाने चाहिए ताकि वो पानी लोगों को मिले, एक तरफ जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है दूसरी तरफ जहाँ पानी से जो है फसलें बर्बाद हो रही है। देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो और मैं भी इस बात से सहमत हूँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, हमें लोकसभा के सदस्यों को बुलाया था सिरसा के 16 तारीख को, वहाँ हमने ये बात रखी कि इस दफ़ा पानी आया है और इस पानी का हम और अच्छा उपयोग कर सकते थे, ये वाटर रिचार्ज के रूप में हमारे ज़िले में 2-3 ब्लॉक्स डार्क जोन में हैं, अगर उनमें ये कैनाल से निकलें तो हमारा डार्क जोन से एरिया बाहर आ जाएगा, किसान को पानी मिलेगा, ज़मीनी पानी भी अच्छा हो जाएगा और ये हमारा जो वाटर है ओटू का वियर का है ये भी पानी मिलेगा, हमने ये चीज़ रखी है और इन चीज़ों को अफसरों ने भी माना है, क्योंकि जो हालात थे उन हालात में अफसरों ने भी माना है, हर 2-4 साल में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि भारी वर्षा के कारण वो पानी सारा का सारा हरियाणा का हमारे ओटू पहुंचता है, तो निश्चित तौर पे सरकार इस दफ़ा पॉजिटिव भी सोच रही है,
और सब की आंखों के सामने चीज़ें हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी पार्टी, हमारे प्रभारी जी बैठे, माने चोपड़ा जी हैं, हम सब लोग इस बात पे प्रयास है, चौरंजीत सिंह भी है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि चैनल्स जो है एक्सटेंड हो। उम्मीद के चेयरमैन भी हैं, फसल पकाव की हो रहा है, जल्दी मंडी में आएगी, क्या व्यवस्थाएँ हैं? देखिए, हमने सारी मंडियों के जो भी सफाई के और के टेंडर्स कर रखे हैं और हर चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि फसल आने से पहले मंडियों के शेड्स और मंडियों की व्यवस्थाएं ठीक हों, किसानों को दिक्कत ना आए, और कहीं पे भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन की या रिपेयर्स की जरूरत है वो सब हमने उसके कैलकुलेट करके उनके टेंडर्स किए हैं ताकि किसान को परेशानी ना हो। और जो कैंटीन है जिसमें भोजन मिलता है, उन कैंटीनों की भी जहाँ कहीं कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो भी हमने पूर्ति की है। उम्मीद कर रहे हैं इस दफ़ा हम 10 से 25 30 कैंटीन्स और चलाएंगे ज़िले में। अभी हमारी कैंटीन चल रही है अलग अलग मंडियों में, कुछ और मंडियों भी हम इसको ऐड ऑन करेंगे ताकि मजदूर को, किसान को सस्ते दामों पर भोजन मिल सके। आदित्य जी, आपने जैसे बताया कि छात्र के चुनाव का फैसला सरकार लेगी, नगर परिषद के चुनाव भी पिछले लंबे समय से पेंडिंग है और शहर की हालत काफ़ी एरियों में बहुत खस्ता है, आप नहीं चाहते कि जल्दी चुनाव हो या इसका फैसला भी सरकार? देखिए, ऐसे है कि वोटिंग प्रोसेस चल रहा था, कई दफ़ा कई वार्ड्स में वोटिंग प्रक्रिया नहीं हो पाई, नया वोट ऐड हो रहा है, नई वार्डबंदी हो रही है, उनके तहत मामला यहाँ से होके चला गया है और अब गवर्नमेंट के पास है, विचाराधीन, गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले लेगी जल्दी इलेक्शन। ऐसा तो नहीं विधानसभा के साथ? ना, ऐसा इतना लंबा नहीं होता, कभी भी सरकारें, बहुत जल्दी इलेक्शन होंगे।